please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुलाल में रंगे कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते दिखाई दिए। ये खुशी सेमीफाइनल के तौर पर माने जा रहे मुंगावली और कोलारस विधानसभा में मिली जीत के बाद दिखी, जिसका जश्न मनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल में पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में मिली जीत पर होली भी मनाई। मुंगावली उपचुनाव में कांग्रेस के विजेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी की बाई साहब यादव को 2000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। ये परिणाम एक नया माहौल मध्य प्रदेश में बनाएंगे और ये संदेश मध्य प्रदेश के हर मतदाता के पास जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि उपचुनाव में मतदाताओं ने शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में मुंगावली सीट पर कांग्रेस की ही जीत हुई थी, लेकिन इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, क्योंकि मुंगावली और कोलारस विधानसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में आती है। इससे पहले 2013 में मुंगावली सीट पर कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा 25,000 वोटों से जीते थे, लेकिन 2017 में उनके निधन की वजह से सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह यादव के जरिए मुंगावली सीट पर अपनी जीत कायम रखी। जब पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर थी, उस समय भी कोलारस और मुंगावली सीटें हम बुरी तरह हारे थे। मुंगावली के अलावा कोलारस विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने बीजेपी के देवेंद्र जैन पर बढ़त बना रखी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम मीडिया के सवालों से बचती नजर आईं। मीडिया ने उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर सवाल किया, जिन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में जब मीडिया ने चेन्नई में उनकी मां से सवाल किया तो वो बगैर जवाब दिए चली गई। व्हाट इज द प्लान नाउ मैम? हालांकि सीबीआई की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई और सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। बैंकों के घोटाले के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? मौन मोदी से बोल मोदी तक का सफर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब तय करेंगे? कांग्रेस के इन हमलों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। कानून अपना काम कर रही है, कार्ति चिदम्बरम हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कानून से बड़े नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने कांग्रेस के शासनकाल में गड़बड़ी को अंजाम दिया। ऐसे में उनसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम को घेरा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। पी चिदम्बरम हैज टू बी अरेस्टेड बिकॉज ही इज द मेन कल्प्रिट, कार्ति इज द बेनिफिशियरी। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के सहयोगी दल भी सामने आए। एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए सरकार के द्वारा या सीबीआई के द्वारा ये काम किया गया है। जो देश का सफेद धन वापस विदेश लेकर के चले गए, उन पे तो कोई गिरफ्तारी होती नहीं। सीबीआई ने जब कार्ति की गिरफ्तारी की तब उनके पिता पी चिदम्बरम लंदन में थे, जिनके जल्द ही देश लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच सीबीआई कार्ति को चेन्नई से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। कार्ति पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ के विदेशी फंड लेने के लिए एफआईपीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में नियमों को ताक पर रखा गया। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद कार्ति और पी चिदम्बरम के घर पर भी छापा मारा। साथ ही सीबीआई ने कार्ति से कई बार पूछताछ भी की। सीबीआई के अलावा ईडी ने भी इस मामले में कार्ति के खिलाफ एक केस दर्ज किया। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम मद्रास हाईकोर्ट गए थे और सीबीआई पर बेवजह फंसाने का आरोप लगाया था।